जैसा जानते हैं कि सरकार ने हाल ही में जो क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट के लिए पॉलिसी बनाई है और उन्होंने वो लगता है रिक्रूटमेंट बोर्ड को भेजा है फॉर अपॉइंटमेंट्स के लिए, हम सरकार से मुतालबा करते हैं जो कि यहाँ डिलीवेजर्स है, कंसोलिडेटेड है, नीड बेसिस है, लैंड डोनर्स है, ITI है, जो भी यहाँ है कंटिजेंट पेड है, उनका आप पहले रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम कर दो, फिर आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना दो। ये हमारी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मुतालबा है और हम अपील भी करते हैं सरकार से, शायद सरकार टसे मस अभी नहीं हो रही है, हम पेंडेमिक का एहतराम करते हुए, हम लॉकडाउन का एहतराम करते हुए अभी सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, हम इनको कहते हैं हम जेन्युइन मुतालबा हमारा है, जेन्युइन डिमांड हमारी है, यह आज की डिमांड नहीं है, यह आज का मुतालबा नहीं है, यह पिछले 3-4 एग्रीमेंट सरकार ने रियासत के ट्रेड यूनियन कयादत के साथ 4 एग्रीमेंट किए हैं, लिहाजा उन एग्रीमेंटों का एहतराम करते हुए सरकार आज इन मुलाजमों की रेगुलर पॉलिसी बनाए और मिनिमम वेजेस पॉलिसी इंप्लीमेंट करे। सरकार से हैंड फोर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये मामला हल कीजिए, बसुर दीगर हमें ये शौक नहीं है हम सड़कों पर आए, हमें शौक नहीं है हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन हालात हमें मजबूर कर रहे हैं, हम मजबूर है, बेबस है, बेकस है, हमें इसके सिवा कोई चारा नहीं है, अपने अहलायाल समेत हम सड़कों पर आएंगे अगर सरकार इसकी तरफ पूरी तवज्जो न दे। एक साल से जो वेजेस है वो अभी नहीं आई है, आजकल जो पॉलिसी वो चल रही है, और दीगर जो दूसरा मसला है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए जो गवर्नमेंट ने जो निकाला है SRO निकाला है, पहले जो यहाँ पे खासकर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूँगा, तकरीबन 2014 में 997 लड़के जो अप्रूव हो गए हैं फाइनेंस से, लेकिन आज ये जो इनका लिस्ट है वो नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि 4 साल से हमारे रीजनल वार्डन यहाँ पे एक कुर्सी पे बैठे हैं, 4 साल में वो इनका नहीं देख रहे हैं, इनका दुख दर्द, क्योंकि 4 साल हो गए उसको, 4 साल एक ऑफिसर को एक ही कुर्सी पे, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो हमारे कैजुअल लेबर है ये बेचारे खून पसीना एक करके, चाहे वो जंगली जानवरों के साथ, आपने देखा होगा जंगली जानवरों के साथ आग लगेगी जंगल में, आगे आगे ये होंगे इंटीपोजन का मसला होगा, गन ये पकड़ेंगे, अफसर अपना वो तमका लेगा, लेकिन काम ये करते हैं, लेकिन उजरत की बात जब आती है तो इनको बेचारों को पीछे छोड़ देते हैं, हम इनको वाजिया करते हैं आज कि इनका जो ये मसला है ये जल्द अज जल्द हल करे, वरना 6 के बाद जब ये सेक्रेटरेट यहाँ पर खुलेगा तो उस टाइम सैलाब आएगा सड़कों पर, उसकी जिम्मेवारी तमाम एक तो एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी और एक यहाँ के अफसर।